नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताज़े नारियल की चॉकलेटी मिठाई। बहुत जल्दी बन जाती है और स्वाद ऐसा कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक ताज़ा नारियल लिया है, फ्रेश कोकोनट। इसे अब हम बारीक काट लेंगे। इसके पीछे का ये जो ब्राउन पार्ट होता है इसे नहीं निकालेंगे, बस इस तरह से एकदम पतले पतले पीस निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। बारीक पीस इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। नारियल में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर जार में सबसे छोटा वाला जार लेंगे तो इसमें नारियल फटाफट ग्राइंड हो जाते हैं। तो ये देखिए, इतना बारीक ग्राइंड करना है। मिक्सर को रोक रोक कर चलाइए तो नारियल को पीसने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे। इसका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें इसकी हाफ शुगर लेना है। परफेक्ट माप से जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो एक्यूरेट बनती है। इस तरह से दबा दबा कर भरेंगे, कोई बड़ा पीस छूट गया हो तो उसे जरूर निकाल दे। तो ये ग्राइंड किया हुआ नारियल पूरा 1 कप है, अच्छे से दबा कर पूरा कप भरा है। आप कोई भी एक कटोरी या 1 कप सेट कर लीजिए मेजरमेंट के लिए। अब चलेंगे गैस के पास और नारियल को पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। नारियल के साथ ये 1/2 कप चीनी डालेंगे। उसी कप के मेजरमेंट से हमने 1/2 कप लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ज़्यादा ले सकते हो। अब हमने गैस ऑन कर दिया है। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। अभी नारियल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स फुल गैस रखने पर नारियल जल भी सकता है। हो सके तो इस तरह से नॉनस्टिक कढ़ाई में ही ये मिठाई बनाए, या फिर कोई मोटे तले का बर्तन ले ले। इस तरह से लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। अब ये देखिए, चीनी पूरी मेल्ट हो गई है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, नारियल का कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह से जब नारियल की थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए और कलर चेंज हो जाए, तब हमें गैस ऑफ कर देना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाए, गैस ऑफ कर देने के बाद भी थोड़ी देर इसे चलाना है, पूरा ठंडा नहीं करना। हल्का गर्म होगा तभी हम इसमें 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे। उसी कप के मेजरमेंट से 1/4 कप कोको पाउडर ले लेंगे, मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट और कोकोनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इस फेस्टिवल आप ये स्वीट बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मिक्स करने के बाद हम इसे अपना मनचाहा शेप देंगे। थोड़ा सा मिक्स हाथ में ले लेंगे, पहले थोड़ा सा राउंड शेप देंगे दबा के मसलने के हिसाब से, ताकि ये बाद में इजीली कोई भी शेप में बाइंड हो जाए। मैं आज स्क्वायर शेप दे रही हूँ, थोड़ा मोटा रखते हुए। हमें हाथों में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घी या ऑयल ये हाथों में नहीं चिपकता। और हमने मिठाई बनाते समय भी घी ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करा है, क्योंकि नारियल को भूनने के बाद वो अपना ऑयल छोड़ता है, इसलिए फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हम बाकी की मिठाई भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, टोटल 11 पीस बनकर रेडी हुए हैं। बस 3 इंग्रेडिएंट से ही ये रेडी हो जाती है मिठाई। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, पर हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से किसी किसी में नारियल का बूरा रख दिया है, और थोड़े से पीस के ऊपर ये काजू के टुकड़े रख रही हूँ, और 1/2 पीस को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये एक मिठाई मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए, इतनी बढ़िया बनी है फ्रेंड्स, घर पर सभी को बहुत पसंद आई। तो ये लग रही है ना मार्केट वाली चॉकलेट मिठाई। टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी बनी है। मिठाई बनाने में ये ध्यान रखें कि नारियल को ग्राइंड करते समय दूध या पानी कुछ भी ऐड नहीं करना, और जब कोको पाउडर को नारियल और चीनी के साथ मिक्स करें, तब पहले मिक्स को थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद कोको पाउडर ऐड करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।